दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पंजाब नेशनल बैंक की एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे आपको तकरीबन 7.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 साल की एफडी भी कराते हैं ना तो भी आपको 7.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप एफडी कराते हैं इतने दिनों के लिए ना तो आपको डेफिनेटली 7.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पॉइंट टेबल पे लेकर के चलूँगा, चार्ट बताऊँगा आपको, लाइव दिखाऊँगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। सबसे पहले एनुटी टर्म डिपॉजिट की स्कीम है, ठीक है। एनुटी टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? एनुटी टर्म डिपॉजिट जो है कि आप यहाँ पे हर महीने इनकम पा सकते हैं। पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी एनुटी के रूप में, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट का पैसा और साथ के साथ में जो भी इंटरेस्ट आप गेन कर रहे हैं ना वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तरीके से मान लीजिए एक लमसम पैसा आपने इसके अंदर डिपॉजिट किया, वो लमसम पैसा आपने पंजाब नेशनल बैंक को लोन के रूप में दे दिया। अब जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक ने आपसे लोन लिया हुआ है तो पंजाब नेशनल बैंक आपको हर महीने ईएमआई पे करेगा ना, बिल्कुल उसी तरीके से हर महीने आपको ईएमआई मिलती रहेगी आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। स्कीम किस तरीके से काम करती है बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा। शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। हाँ, एक छोटे से सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो ज़रूर से आप दे सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपको हमें पता चल सके हमारी जो ऑडियंस है वो कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहती है और कौन से टॉपिक के ऊपर हमें अगला वीडियो बनाना चाहिए, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है इसका। देखिए वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, ठीक है। और यहाँ पे वन टाइम जब लमसम डिपॉजिट अगर आप कर देते हैं ना तो यहाँ पे क्या कहता है कि इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट जो ईएमआईज होती हैं कंपेयरिंग विद द पार्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि आपने एक ना लमसम पैसा डिपॉजिट किया, अब जो ईएमआई मिलेगी आपको लमसम पैसे के ऊपर जो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी उसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो होगा ही होगा, साथ के साथ में जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना वो इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स और गार्जियन ऑफ अ सिंगल नेम कोई भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, ज्वाइंट अकाउंट आप इसके अंदर ओपन नहीं कर सकते। अगर बात करें डिपॉजिट लिमिट की तो डिपॉजिट लिमिट रहने वाली है मिनिमम आप इससे ₹1,000 कि आप इसको ₹1,000 की आपको हर महीने मंथली इनकम हो जाए इतना पैसा आपको इसके अंदर डिपॉजिट करना है। यानी कम से कम कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं लेकिन कम से कम इतना पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा कि हर महीने आपको ₹1,000 तो मिलता रहे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। अगर मैक्सिमम की बात करें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पे 36 महीने का ओपन करते हैं तो 36 महीने से लेकर के 10 साल यानी 120 महीने के बीच में कोई सा भी टाइम स्लॉट आप चूज़ कर सकते हैं और आपको हर महीने उतने टाइम के लिए मिलता रहेगा। इस वाले केस के अंदर मैं आपको बता दूं कोई भी मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको दोनों चीज़ें साथ के साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस आपका जो भी इंटरेस्ट है वो हर महीने मिल रहा है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, तो आपको इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। लोन फैसिलिटी की अगर बात करें तो लोन फैसिलिटी इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा, ये एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट ही है। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको बैंक जो है हर महीने पैसे दे रहा है आपको, इसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी है, तो इसके अंदर आपको कोई भी लोन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और साथ के साथ में प्री मेच्योर क्लोजर भी किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। साथ के साथ में TDS इंटरेस्ट पेमेंट इज सब्जेक्टेड टू TDS एज पर द इनकम टैक्स रूल के साथ में आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट्स टेबल पे लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। देखिए अगर आप 7 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में अगर आप कराते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतना मिलेगा, लेकिन अगर आप देखते हैं ना कि 66 डेज के लिए अगर आप कराते हैं, अगर 10वें नंबर पे अगर आप देख रहे हैं 66 डेज के लिए अगर आप कराते हैं तो 7.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे।
वहीं अगर आप देखें, अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो 7.75% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे इसके ऊपर, जो कि किसी भी स्लॉट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 67 डेज के लिए कराते हैं, या 2 साल से ऊपर के लिए कराते हैं, 3 साल या 5 साल के बीच में कराते हैं, या 10 साल के लिए भी कराते हैं, तो भी आपको 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप 66 डेज के FD कराते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि है लगभग 7.5% से भी ऊपर, अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में फॉल डाउन होते हैं। ठीक है, 7.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको मंथली कितना मिलेगा, इसके लिए मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको कैलकुलेटर पे, जहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा, और साथ के साथ में किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज़ करके भी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दोस्तों, ये टर्म डिपॉजिट किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं या पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच में जाकर के विजिट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की हर ब्रांच के अंदर आपको इसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन या किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। प्लान से रिलेटेड अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के, इन टोल फ्री नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी ये बैंक से भी मिल जाएगी, बैंक के कस्टमर केयर से भी मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।